आगरा में शुक्रवार को एक बड़ा और जटिल ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन हरिपर्वत स्थित सरकार नर्सिंग होम में मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण सरकार और डॉक्टर देवाशीष सरकार ने किया। इस ऑपरेशन में 55 साल की बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन कर 55 किलो वजनी ओवेरियन सिस्ट को निकाला गया। एक ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन है, सारे ही ऑपरेशन बड़े ही होते हैं, और ये 15.5 किलो की सिस्ट थी एक 55 साल की लेडी में। मरीज को इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, इसीलिए ये एक वार्निंग है हर मरीज को कि 45 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेकअप अपने कराना कैंसर के लिए, और अल्ट्रासाउंड और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि ये बीमारियां बहुत लेट पता चलती है, और लेट तब पता चलती हैं जब कैंसर हो जाता है, फैल जाता है कैंसर। तो इसीलिए अगर रेगुलर चेकअप होते रहेंगे तो उसमें डिटेक्ट हो जाएगा, और जल्दी अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो मरीज बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि इस ट्यूमर की वजह से महिला को चलने फिरने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दर्द बहुत था, लिहाजा जांच में ट्यूमर होने की जानकारी होने के बाद ये ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सरकार ने बताया कि उम्र ज्यादा होने के बाद इस तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, लिहाजा बुजुर्गों का नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों में जरा सी चूक से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। आज के ज़माने में 55 साल की उम्र कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक ज़माने में ज़रूर ऐसा था कि 45 साल अगर 50 साल आदमी क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ थी, और 60 कर ले तो उसका तो सेलिब्रेशन होता था। आज के ज़माने में तो 70-80 एक नॉर्मल उम्र है, तो इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओल्ड एज की जो बीमारियाँ हैं वो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए आप रेगुलर अगर अपना चेकअप कराते रहेंगे, सारी जांचें कराते रहेंगे, डॉक्टर्स को दिखाते रहेंगे, तो ये परेशानियां जल्दी पता चल जाएंगी और उसका निदान हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। हल्की सी परेशानी ना भी लगे तो भी एक 45 साल की उम्र के बाद साल में एक दफा कम से कम चेकअप हो जाना आवश्यक है। डॉक्टर वरुण सरकार ने ऐसे मामलों में जागरूकता और नियमित चेकअप को ही सबसे बेहतर बताया है, क्योंकि इस तरह के मामलों में लापरवाही से मामले बिगड़ जाते हैं, लेकिन इस मामले में मरीज के सही वक्त पर उनके पास आने के बाद ये मामला कंट्रोल में आ गया, और अब मरीज को इलाज के जरिए सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। संदीप शर्मा, सी न्यूज, आगरा।